भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के प्रेस सलाहकार सुनील तिवारी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने बाबूलाल मरांडी का आवास का घेराव किया। सुनील तिवारी पर आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। सुनील तिवारी को लेकर सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच भी बयानबाजी लगातार जारी है। विश्वास रखते हुए झारखंड के प्रशासन को हम लोग को समझ में नहीं आया। झारखंड होने के बाद में पहला एक ऐसा व्यक्ति हम लोग समझे थे बाबूलाल जी को कि पूरे प्रदेश को चलाए, लेकिन राज ही नहीं चला पाया। अपने पूर्ण बहुमत की सरकार थी उनका, उसके बाद दूसरा को बैठाया और उसके बाद में उसका पेंद्रीय जो देखे हैं एक जगह रहता नहीं है। वो अपने जो है लंचन आदमी, आज उसका मुख्य सलाहकार सुनील तिवारी हमारे खूंटी जिला के एक बच्ची से रेप करते हैं और उसको ये बाबूलाल मरांडी जो कि विपक्ष के अभी बहुत सम्मानित पद में विपक्ष के अपने आप को विधायक दल का नेता बोलते हैं, वो ऐसा बलात्कारी को बचाने का काम करते हैं। तो इसका मंसूबा क्या है, इनका चरित्र क्या है? चोर चोर मोसेरे भाई, ऐसे में राज नहीं चलेगा बाबू। ये आदिवासी समाज, मूल वासी समाज ऐसे लोग को खदेड़ने का काम करेगी, ऐसी सरकार में जो छुप के रहते हैं चूहा जैसा उसको निकालने का काम करेगी। ये तो शुरुआती है, अभी देखते जाइए झारखंड का निर्माण करेंगे। ऐसे नौजवान लोग अब निकल चले हैं और झारखंड का हम लोग निर्माण करेंगे। फिलहाल आज एक संकेतिक है कि आप सप्ते दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में उस बलात्कारी को गिरफ्तार करने का काम नहीं किया, इसका परिणाम बुरा होगा। कैसा बुरा होगा? झारखंड अशांत हो जाएगा। हम लोग खुद जो है जाके बलात्कारी को खोजने का काम करेंगे, चरण बरद आंदोलन शुरू करेंगे। नाम बता, मार्शल वाला आदिवासी नेता खूंटी। इस प्रकार बाबूलाल मरांडी एक जिम्मेवार व्यक्ति होकर बलात्कारी का सपोर्ट कर रहा और हम लोग उनका गिरफ्तार करने का मांग कर रहे हैं, और जो बलात्कारी है उसका सपोर्ट ना करे, बाबूलाल मरांडी होश में आ जाए, हम लोग मांग रखे हैं। और अगर बाबूलाल मरांडी अगर नहीं आते तो पूरे हम लोग झारखंड के आदिवासी मूलवासी मिलकर उनका विरोध करते रहेंगे। सुनील तिवारी को गिरफ्तार करो, हम लोग करेंगे। यहाँ के मंत्री और विधायक से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग घर में एसी में बैठे और बुलेट प्रूफ में घूमे, इन लोगों को हम लोग की इज्जत बचाना, ये लोग अपनी इज्जत बचाए, हम लोग बचाए।
आप देख रहे होंगे जब से झारखंड अलग हुई है तब से आदिवासी के ऊपर अत्याचार और शोषण का मामला बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग जिस तरह से सुनील तिवारी एक आदिवासी युक्ति के साथ में बलात्कार जैसी घटना करते हैं और उसके बाद से बचाने के लिए बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हैं वो व्यक्ति उसे बचाने के लिए प्रेस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि वो निर्दोष है। इसीलिए आज सारे आदिवासी आक्रोशित हैं और यह खासकर मूलवासी भी आक्रोशित हैं कि इस तरह से बाबूलाल मरांडी जी को बयानबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीका से अपराधी मामला बढ़ रही है तो इसी नेताओं और लोक संरक्षण और सहयोग करते हैं ताकि मनोबल अपराधियों का बढ़ता है। इसीलिए मैं बाबूलाल मरांडी जी का आवाज़ घेरने का कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि अपने बातों और विचारों को चेंज करें और कुछ सुधार लाएं, झारखंड के विकास के लिए कुछ आगे बढ़कर कुछ बात बोले। परिचय बता दीजिएगा। अजय तिर्की, केंद्रीय सेना।